तो गाइस हेयर स्टाइलिंग टूल्स की बात करें तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा टूल्स आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो ब्लो ड्रायर के एडिशन में यूज होते हैं। उनको अगर आप ब्लो ड्रायर के साथ में यूज करते हैं तो आप अपनी हेयर स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। उन टूल्स का नाम है हेयर ब्रशेज, एंड हेयर ब्रशेज में भी मैं स्पेसिफिकली पैडल ब्रश और एक राउंड ब्रश को कवर करूंगा। हम टोटली बात करेंगे पैडल ब्रश वर्सेस राउंड ब्रश, ये क्या काम आते हैं दोनों ही ब्रश, कब कब मैं इन्हें यूज करता हूँ, मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ यूज करना, सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। एंड आप लोगों को अगर हेयर ब्रश से लेके कोई कंफ्यूजन होगा, स्पेसिफिकली राउंड ब्रश या पेडल ब्रश से होगा, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि ये किस चीज के लिए डिजाइन हुए हैं एंड इन्हें कैसे यूज करते हैं। बट गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं मेंस हेयर ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको एक ऐसा कंटेंट पसंद है देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि आपकी कोई भी फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन वो मिस ना। गाइस हम सीधा स्टार्ट करते हैं पैडल ब्रश से। मैं पैडल ब्रश के फीचर्स बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक पैडल ब्रश जो होता है वो डिजाइन होता है आपके हेयर को डिटेंगल करने के लिए, आपके हेयर में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओवरऑल ब्लो ड्रायर के कंबाइन करके जब आप इसे यूज करेंगे तो ओवरऑल आपको एक स्मूदर एक्सपीरियंस देने के लिए। पैडल ब्रश का जो ओवरऑल एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, एंड ये मेरे हिसाब से लॉन्ग हेयर पे काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। बिकॉज जब आपके लॉन्ग हेयर होते हैं तो आपका मेन फोकस वॉल्यूम नहीं होता, आपका मेन फोकस होता है एक स्मूथ हेयर स्टाइल, एक फ्रिज फ्री, एक नेचुरल लुकिंग हेयर स्टाइल, जो ये पैडल ब्रश काफी अच्छे से काम करता है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका एक फीचर ये भी है कि ये आपके हेयर में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। मैं जब अपने हेयर डैम्प हेयर के अंदर प्रोडक्ट को अप्लाई करता हूँ तो मैं इससे इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाता हूँ। बहुत से ब्रशेज ऐसा होते हैं जो डैम्प हेयर में टग एंड पुल एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, एंड वो डैम्प हेयर में आप यूज नहीं कर सकते हैं। एंड ये पैडल ब्रश जो होता है डैम्प हेयर में यूज करने के लिए सेफ होता है, आप इजीली इसे अपने डैम्प हेयर में यूज कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात करते हैं मैं स्पेसिफिकली इसे कब कब यूज करता हूँ। तो मैं पर्सनली इसे अभी जब मेरे ज्यादा थोड़े लॉन्ग हेयर साइड हो जाते तब इसे यूज करना ज्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता है लॉन्ग हेयर में मैं ज्यादा वॉल्यूम का काम रहता नहीं है। ओवरऑल ये लॉन्ग हेयर पे काफी अच्छा वर्क करता है। आप दूसरे हेयर, आपके अगर मीडियम हेयर है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर पे भी यूज कर सकते हैं, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लॉन्ग हेयर पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। बिकॉज लॉन्ग हेयर आप लोगों को वैसे ही पता है कि ज्यादा उलझते हैं, उन्हें ये सॉल्व करने में हेल्प करता है ओवरऑल, जिसलिए मैं कह रहा हूँ एक स्मूथ एप्लीकेशन। इसकी जो ब्रिसल्स होती है काफी स्मूथ होती है एंड आपके हेयर के ऊपर एकदम ईजिली ग्लाइड करती है, तो आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बात करते हैं राउंड ब्रश की। तो राउंड ब्रश डिजाइन होता है आपके हेयर में वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप इसे करेक्टली परफेक्टली यूज करेंगे तो आपके हेयर में काफी अच्छा वॉल्यूम मिलेगा आप लोगों को। ज्यादा यूज नहीं करता हूँ मैं इसे, बिकॉज मैं आज तक जो भी ब्रश यूज किए हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो राउंड ब्रश है वो आपके हेयर में टग एंड पुल क्रिएट करता है। एंड स्पेसिफिकली मैं डैम्प हेयर में तो कभी इसे यूज करता ही नहीं हूँ, बिकॉज डैम्प हेयर के अंदर हमारे जो हेयर होते हैं वो काफी वीक स्टेज में होते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा टग एंड पुल करता है आपके हेयर के अंदर। एंड डैम्प हेयर के अंदर मैंने पहले जब मुझे नॉलेज नहीं थी कि तब मैंने इसे यूज किया था, एंड मेरे जो फ्रंट वाला जो एरिया है वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया। अगर आप करेक्टली यूज करेंगे तो इससे आपको अच्छे वॉल्यूम के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके हेयर में अच्छा वॉल्यूम आएगा। बट मैं इसे इतना यूज नहीं करता हूँ बिकॉज इसका एक अल्टरनेट ब्रश है जो ज्यादा स्मूथ है, जो टग एंड पुल नहीं करता है, एंड जो मेरा फेवरेट ब्रश है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सबसे ज्यादा उसी को यूज करता हूँ। तो गाइस अब बात रही कौन सा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इन दोनों में से, तो मैं आप लोगों को पैडल ब्रश रिकमेंड करूंगा, बिकॉज पैडल ब्रश की हेल्प से आप काफी हद तक सारे काम कर सकते हैं, ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म करता है। स्पेशली जब आपको वॉल्यूम क्रिएट करना हो तो आप इससे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं एक हद तक, इससे ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा आपको, बट अगेन आपके हेयर को ज़्यादा डैमेज ये करता है अगर आप करेक्टली यूज़ नहीं करो तो। मैं इसे बहुत मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत लिमिटेड यूज़ करता हूँ एक राउंड ब्रश, दैट्स वाई मेरे पास ये पुराना सा पड़ा हुआ है, मैं नया लाता ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरा जो काम है सारा वेंटेड ब्रश कर देता है और वो इससे बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको राउंड ब्रश और एक वेंटेड ब्रश के बीच में डिफरेंस देखना है कि नहीं देखना है, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रश है, इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये इसके इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी अच्छा बनेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको अगर देखना हो तो। नहीं जो भी प्रोडक्ट मैंने वीडियो में यूज किए हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक, थोड़े अच्छे अल्टरनेटिव डाल दूंगा मैं, ये तो पुराने वाले पड़े हैं मेरे पास, बट अच्छे अल्टरनेटिव आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे इनकेस आपको चेकआउट करने हो तो। गाइस दैट्स द वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड ब्रो फ्लाइंग।